बेटियों को बेटा बनते हुए तो अमूमन दिखने में आ जाता है, लेकिन कोई बेटा अगर बेटी बनकर अपनी आजीविका चलाए तो सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा। हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले टिंकू विहान के बारे में। टिंकू विहान की कहानी बेहद प्रेरणादायक और साहसी है, जो एक बेमिसाल क्रॉस डांसर के रूप में नृत्य की दुनिया में अपनी एक अनोखी पहचान बना चुका है। रामलीला में पहली बार लड़की का किरदार निभाने से लेकर विहान वैली में नृत्य सिखाने तक टिंकू का अटूट जुनून और समर्पण हर कदम पर दमकता है। माधुरी दीक्षित से प्रेरित होकर आत्मशिक्षित टिंकू ने धर्मशाला में कथक की बारीकियां सीखकर अपनी कला को निखारा और नई ऊंचाई दी। टिंकू की कहानी धैर्य, संघर्ष और कलात्मक उत्कृष्टता की एक मिसाल है। इन दिनों गणेश उत्सव के दौरान वह फिर से सुर्खियों में छाए हुए है। हर खास जगह पर उन्हें बुलाया जाता है और उनके चाहने वाले उनकी अद्वितीय प्रस्तुति का बेसब्री से इंतजार करते हैं।